विशेष करी उमरकोट निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चार ये कार्यक्रम थिला। ये संयुक्त मोर्चा आमर जो भारतीय जनता पार्टी सातोटी मोर्चा अच्छे जमी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी मोर्चा कृषक मोर्चा संख्यालघु मोर्चा एमती आमर प्राय सातोटी मोर्चा अच्छे तो से सातोटी मोर्चार कार्यकर्ता माने आज ये सम्मेलन रे आसी आउ ये होची भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रक्रिया सबुबले भारतीय जनता पार्टी सारा संगठन को सुदृढ़ करने आउ विशेष करी ये नौ वर्ष पूर्ति अवसर में मोदीजी जो नौ वर्ष पूरण है जे से देशवासी एवं देश से कौन करते अंत तो समस्ते जानवा आवश्यकता अच्छी कृषक मानी मोदीजी कौन करमती कि अनुसूचित जाति मोदीजी अवदान कौन रही ओबीसी मानों कौन रही ये सब विषय जिते बड़े पर्यंत जानवे ना तो से पर्यंत ये सब मोर्चार संगठन का सुदृढ़ हम ना निश्चय देखते अनेक समय रे अनेक केन्द्रीय योजना होता है किंतु से योजना विषय लोक अवगत नुहंती जमीती कि ओडिशा रे अनेक केन्द्रीय योजना को हाइजाक करुछंती अंतत प्रकृत रे जो गरीब लोकों पर आज रेशन कार्ड मध्यम एनएफएस रे जो चावल दिया होची ताकु लोक जानी पारु नहंती नवीन सरकार मु दउछि बोली कहउछंती हाइजाक करउछंती प्रधानमंत्री आवास घर केन्द्र सरकार दउछंती आम पाखे फिगर अच्छी केते कोन दउछंती ये सब विषय केन्द्र सरकार रो योजना विषय रे अंतत जनसाधारण जानवा आवश्यकता अच्छे आम जो लिफलेट बांटुचु घरे घरे जाइना मोदीजी जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते माध्यम लोक पढ़े जानवे अलग को कहे निश्चय तहरे लोकों भितर लोक सचेतन हे निश्चय भारतीय जनता पार्टी आड़े से आकर्षित हे। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन था। हमारे जितने मोर्चा प्रकोष्ठ है कार्यों की दृष्टि से जो बटा हुआ है उसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे सारे लोगों के साथ एक कार्य मीटिंग रखा हुआ था उसके निमित्त आज यहाँ पे आना हुआ है जिसमें हमारे पार्टी के परिवार के सारे सदस्य लोग उपस्थित हैं। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी सक्षम है और आने वाले समय में आप देखिएगा जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा।